हेलो दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब आपको सिर्फ 10 रुपए खर्च करने होंगे और आपका वेट डेली 0.1 इंच जरूर घट जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डेली सुबह ओट्स या ग्रीन टी पीना चाहिए और आपका वेट कम हो जाएगा। आप अपने डेली लाइफस्टाइल में सिर्फ ये चीज को अपनाइए और फर्क देखिए। आप अपने पेट के चर्बी को सिर्फ 7 दिनों में पिघला सकते हैं। ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपना वेट मैनेजमेंट आसानी से नहीं कर सकते हैं, इस चीज को अगर डेली वो अपने डाइट में लेंगे तब जरूर वो अपना स्टमक फैट को सिर्फ 7 दिनों में बर्न कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ ये चीज आजमा के देखा है और उनको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिला। तब मैंने ये सोचा कि मैं ये फैट बर्निंग रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फैट को पिघलाने के लिए वीडियो बनाने की डिमांड कर रहे थे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं और बहुत सारे वेट लॉस रेसिपीज आप सबके लिए आगे से बनाऊंगी। तब चलिए बिना देरी किए इस हेल्दी न्यूट्रियस और फैट बर्निंग रेसिपी को देख लेते हैं। हेल्दी वेट लॉस सूप बनाने के लिए हमें चाहिए कैबेज या बंद गोभी। यहाँ पर मैंने बंद गोभी को पतले पतले स्लाइसेस में काट दिया है। बंद गोभी या कैबेज हमारे बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। दूसरी चीज हमें चाहिए कैरेट या गाजर। गाजर को भी आप पतले पतले स्लाइसेस में काट लीजिए। गाजर फाइबर से भरा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो वेट लॉस करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज हमें चाहिए टमाटर। टमाटर में भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है और इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो वेट लॉस करने में मदद कर। हम इस वेट लॉस सूप को प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। यहाँ पर हम ऑयल के बदले पानी का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप एक प्याज या अनियन को छोटा छोटा काट लें और पानी में डाल लें। जैसे ही प्याज पानी में उबलने लगे तब उसमें आप पतले पतले कटे हुए बंद गोभी और गाजर भी डाल दें। नमक डालें अपने स्वाद के अनुसार, पर नमक कम डालें। अब आप इसमें छोटे छोटे कटे हुए टमाटर को भी डाल दें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। कुटी हुई काली मिर्च भी डाल दें। 2 कप पानी डाल दें और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 सीटी आने तक इस पकाएं और प्रेशर कुकर की गैस अच्छे से जाने के बाद ढक्कन खोलें और एक कटोरी में वेट लॉस सूप को आप डाल लें। आपकी हेल्दी न्यूट्रियस वेट लॉस सूप खाने के लिए तैयार है। इस वेट लॉस सूप को खाने से पहले आप उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस डाल दें। नींबू के रस इसके फ्लेवर को बढ़ाने के साथ आपके फैट लॉस करने में जरूर मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि इस वेट लॉस सूप को बनाना बड़ा आसान है और हर चीज बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये बहुत चीप है और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। आप रोज जैसा खाना खाते हैं उसी तरह से खाना खाइए और इस वेट लॉस सूप को अपने खाने में डेली हर दिन शामिल कीजिए। ये वेट लॉस सूप आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा और आपके जिद्दी स्टबर्न फैट को पिघलाने में जरूर मदद करेगा। अब मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहूंगी। जैसे आप इस वेट लॉस सूप को कब खा सकते हैं? आप इस वेट लॉस सूप को कभी भी दिन में खा सकते हैं, लंच या डिनर में खा सकते हैं, स्नैक के तरह भी आप इसको खा सकते हैं। आप लंच या डिनर के आधे घंटे से पहले इस वेट लॉस सूप को आप खा सकते हैं। लंच या डिनर को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल आता है, कितने बार आप इस वेट लॉस सूप को दिन में खा सकते हैं? आप जितने बार चाहें इस वेट लॉस सूप को खा सकते हैं, पर एटलीस्ट दिन में एक बार इस वेट लॉस सूप को जरूर खाएं मैक्सिमम वेट लॉस पाने के लिए।
तीसरा सवाल आता है, कितने लंबे समय तक आप इस वेट लॉस सूप को खा सकते हैं? वेट लॉस करने के लिए आपको इस सूप को कंटिन्यूअसली 7 दिनों तक खाना पड़ेगा, तभी आपको अपने बॉडी फैट में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आप जितने लंबे समय तक चाहें इस वेट लॉस सूप को खा सकते हैं। मैं आपको 15 से 1 महीने तक ये वेट लॉस सूप खाने की सलाह दूंगी। चौथा सवाल आता है कि क्या आप इस वेट लॉस सूप में कोई इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं? आप इसमें शिमला मिर्च या कैप्सिकम डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वेट लॉस सूप में कोई भी चीज चेंज करने की सलाह नहीं दूंगी। सारे वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन से आपको जल्दी फैट लॉस देखने को मिलेगा। अगर आपके मन में वेट लॉस सूप को लेकर कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साइड में दिए गए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तब आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। मिलती हूँ आप सबको एक नए वीडियो के साथ। तब तक अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।